प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास के पद संख्या 9, 10 और 11 की व्याख्या पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में हमने पद संख्या 8 तक की व्याख्या पढ़ी और समझी थी। पद संख्या 9 में पिछले ही प्रसंग की तरह उद्धव से गोपियों का संवाद चल रहा है और गोपियां उद्धव की बातों को सुनते सुनते खींच जाती हैं। उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म संबंधी जो साधना का उपदेश वो देते हैं उसको सुनते सुनते उनको चिड़ सी उत्पन्न हो जाती है और वह उद्धव से दो टूक शब्दों में ये कहती हैं कि जाओ, हमने तुमको बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। उसी का वर्णन इस पद में प्रस्तुत किया गया है। उद्धव जाह तुम ही हम जाने, गोपियां कहती हैं हे उद्धव तुम यहां से चले जाओ क्योंकि हमने तुमको बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है, समझ लिया है। श्याम तुम ही ह्या कौ नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने, वास्तविकता तो यह है कि श्याम सुंदर ने तुमको यहां नहीं भेजा है, तुम बीच में रास्ता भूल करके गलती से यहाँ चले आए हो। यह सच नहीं है कि तुम्हें श्याम सुंदर ने भेजा है, श्री कृष्ण ने भेजा है, बल्कि तुम मार्ग भूल करके बीच में हमारे पास चले आए हो। इस कारण तुम यहां से चले जाओ क्योंकि हमने तुमको जान लिया। ब्रज नारी सौ जोग कहत हो बात कहत न ल जाने, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम ब्रज की नारियों को योग का संदेश दे रहे हो, उनको योग साधना के संबंध में बता रहे हो, ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, तो कहने के लिए तो तुम बड़े बुद्धिमान हो लेकिन वास्तव में लगता है कि तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम विवेक शून्य हो, इसलिए इस प्रकार से अनाड़ी के समान बातें कर रहे हो, हमारे सामने योग की चर्चा कर रहे हो, किस प्रकार से योग से साधना की जाती है, कैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, उस प्रकार की चर्चा हमारे सामने कर रहे हो। हम सौ कही लई हम सही कहे जिये गुण ले हुसयाने, तो हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले अपने मन में विचार करके ये देख लो कि हम तो श्री कृष्ण का सखा मानकर श्री कृष्ण का मित्र समझकर तुमने जो कुछ भी कहा उसको हमने चुपचाप सुन लिया और सहन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा अपने मन में भी इस बात पर विचार करके देखो कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह उचित नहीं है। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कहाँ तो हम अबला हैं, हम स्त्रियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं, और कहाँ तो हमको दिगंबर की दशा दिगंबर के संबंध में बता रहे हो, ऐसे योग साधना के विषय में बता रहे हो जहां दिगंबर को अपनाया जाता है, तो ऐसी बात हमारे सामने कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आती है, इसलिए अब बस करो मस्त करो पहचाने, अब तुम मौन धारण कर लो क्योंकि हमने जान लिया है कि श्याम सुंदर तुम्हें इस प्रकार का संदेश लेकर के यहाँ नहीं भेज सकते हैं, तुम तो बीच में रास्ता भूलने के कारण यहाँ चले आए। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदान, सच सच बताओ, हम तुमको अपनी सौगंध देकर पूछती हैं, तुमको अपनी शपथ देकर जानना चाह रही हैं, पूछ रही हैं, बिल्कुल भी हंसी मत करना, सही बात बताना कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नय कहूं मुस्काने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्याम सुंदर जिस समय तुमको यहाँ भेज रहे थे तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए तो नहीं थे। यदि तुमको यहाँ भेजते समय वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे तो जान लो उन्होंने तुमसे केवल विनोद किया है, अपना सखा जानकर तुमसे विनोद किया है, सचमुच तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, इसलिए हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हमने तुमको बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। इसके उपरांत पद संख्या 10 जिसमें गोपियों ने उद्धव से
प्रश्न करते हुए कहा है कि तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का उपदेश हमको दे रहे हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म की को अपनाने की बात हमसे कह रहे हो, पहले हमको उसका परिचय दो, उसके विषय में बताओ। कहती है निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म के संबंध में हमको बार बार कह रहे हो, जिसको अपनाने की बात सिखा रहे हो, वह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौहदय बूझति सांच न हासी। हे उद्धव, हमको सचमुच समझा करके बता दो, एकदम स्पष्ट साफ साफ बता दो। हम सचमुच तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं, परिहास नहीं कर रही हैं, बल्कि जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म जिसका संदेश लेकर तुम आए हो, वह किस देश में निवास करता है, किस देश का रहने वाला। को है जनक, कौन है जननी। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जनक कौन है, यानी उसके पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, उसको जन्म किसने दिया है, कौन उसकी माता है, कौन नारी को दासी, और उनकी स्त्री का क्या नाम है, तथा उनकी दास दासियां कौन है, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। इसलिए अपनी शपथ देकर तुमसे पूछ रहे हैं, हमको समझा करके बता दो, क्योंकि हम तुमसे कोई भी हंसी नहीं कर रहे। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कि हिरसमय अभिलाषी। उसका वर्ण अर्थात उसका रंग कैसा है, किस रंग का वो है, भेष है कैसो, किस प्रकार की वेशभूषा धारण करता है कि हिरसमय अभिलाषी, और उसे किस रस की अभिलाषा रहती है, अर्थात वह किस प्रकार के रस में आनंद की अनुभूति करता है। पावे गौ पुन कियो आपनो जौरे करोगे गासी। तो अगर हम तुमसे एकदम सच सच ये सब कुछ पूछ रही हैं, सब कुछ जानना चाह रही हैं, इसलिए हमको सच सच बताओ, इसमें किसी भी प्रकार का छल कपट मत करना, क्योंकि यदि तुम हमसे छल कपट करते हो तो तुम्हें अपने करने का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको सब कुछ सच सच समझा करके कहो और बताओ। सुनत मौन हुए रहो बावरो सूर सबय मतनासी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की बातों को सुनकर के, उनके इतने सारे प्रश्नों को सुनकर, अपने आप को परम ज्ञानवान मानने वाले उद्धव जी एकदम मौन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि बावले के समान हो जाती है, जैसे लगता है कि वह बावले हो गए हैं और उनका सारा ज्ञान जैसे हर जाता है, क्योंकि उनके पास गोपियों की प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है। पद संख्या 11। अभी तक के पद में उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद था उसका वर्णन प्रस्तुत किया गया था। पद संख्या 11 में मां यशोदा की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण हुआ है। मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझकर उनका पालन पोषण किया है, और ऐसे में शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक उनकी क्या आदतें थी, क्या स्वभाव था, क्या उन्हें प्रिय था, क्या उन्हें अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था, यह सब कुछ माँ यशोदा को भली भांति ज्ञात था। और इस कारण जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो भले ही वह राजमहल के सुख में गए हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी अपनी ममता और अपने वात्सल्य को वो रोक नहीं पाती हैं, और श्री कृष्ण के लिए माँ देवकी के पास संदेश प्रेषित करती हैं, विशेष रूप से यह बताने के लिए कि श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, क्या उनकी आदतें हैं, क्या उनका स्वभाव है, यह सब कुछ बताने के लिए वह
देवकी के पास संदेश प्रेषित करती, उसी का वर्णन इस पद में प्रस्तुत किया गया है। संदेशो देवकी सो कहियो, माँ यशोदा कहती है कि हे उद्धव, जा करके देवकी से मेरा यह संदेश कह देना, मेरा यह संदेश देवकी को दे देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हूं, कि चूंकि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। धाय कहते हैं जो पालन पोषण करने वाली माँ होती, तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, इसलिए उनका पालन पोषण करने के कारण मेरे हृदय में, मेरे मन में जो उनके प्रति ममता है, मेरे हृदय में जो उनके प्रति प्रेम है, वो बना ही रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे इस संदेश को तुम जाकर देवकी से कह देना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोहि कहियावे, तो यद्यपि तुम उनकी माँ हो, अब तो तुमने उनकी आदतों को जान लिया होगा, समझ लिया होगा। टेव माने कहते हैं आदत स्वभाव, तो अब तुम उनकी आदतों से परिचित हो गई होगी, तुमने उनकी आदतों को जान लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझसे बिना कहे नहीं रहा जाता। प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते माखन रोटी भावे, कि प्रातः काल होते ही मेरा जो लाड़ला कन्हैया है, बहुत ही स्नेह के साथ मैंने उसका पालन पोषण किया है, बड़ा ही दुलारा है, ऐसे मेरे लाडले लाल को प्रातःकाल होते ही माखन रोटी खाना अच्छा लगता है, माखन रोटी खाना रुचिकर लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल ता ही देखी भज जाते, आगे पुनः श्री कृष्ण से संबंधित स्मृतियों का अंकन करते हुए माँ यशोदा कह रही हैं कि जब भी मैं तेल उबटन और तातो जल, तातो कहते हैं गर्म को, तो जब भी मैं तेल उबटन और गर्म पानी एक साथ लाकर रखती थी तो ता ही देखी भज जाते, उसको देख करके भागने लगते थे। जैसे ही मेरे हाथ में तेल उबटन और गर्म पानी देखते थे तो उसको देख करके भाग लेते थे, भग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और उसके बाद जो कुछ भी वो मांगते थे, जो जो मांगते थे वो सब कुछ मैं उनको देती थी, क्रम क्रम करके नहाते, तब वह क्रम से स्नान करने का कार्य पूर्ण किया करते थे, तब जाके क्रम से नहाते थे। यानी जैसे ही माँ यशोदा के हाथ में तेल उबटन और गर्म पानी देखते थे, श्री कृष्ण भाग लेते थे, और उसके बाद क्रम से बारी बारी से कुछ न कुछ मांगते थे, और बारी बारी से एक बार तेल लगवाना, फिर उबटन लगवाना, तब जाकर के फिर नहाना। तो इस प्रकार से जो कुछ वो मांगते थे वो सब कुछ जब उनको मिल जाता था, तब जाकर के वो क्रम से नहाने का कार्य पूरा करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच, तो हे पथिक, मेरी बातों को सुनो, मेरी भावनाओं को समझो, क्योंकि मुझे रात में भी और दिन में भी, दिन रात मेरे हृदय में यही चिंता लगी रहती है, मैं यही सोचती रहती हूँ अपने हृदय में कि मेरो अलक ललितो मोहन वह है करत संकोच, कि मेरा बड़ा ही लाडला और दुलारा, सबके मन को मोह लेने वाला जो मनमोहन है, वह वहाँ पर सबके बीच में एक प्रकार से अपनेपन का भाव प्राप्त करता होगा, इसलिए अपनी बातों को कहने में संकोच करता होगा। मुझसे चूंकि वह उसने बचपन से शैशवावस्था से मुझको जाना और समझा था, इसलिए अपनी बातों को मेरे सामने कह देता था, मेरे सामने कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं करता था, निसंकोच होकर अपनी बात को रखता था। लेकिन वहाँ मथुरा में अपनी बातों को कहने में, अपनी बात को सबके सामने प्रकट करने में, अपने मन की इच्छा प्रकट करने में उसको संकोच लगता होगा, बस मुझे दिन रात इसी बात की चिंता लगी रहती है, मैं दिन रात यही अपने हृदय में सोचा करती हूँ। इस प्रकार से माँ यशोदा देवकी के पास अपना संदेश प्रेषित करती है।
इस पद के साथ ही सूरदास से संबंधित जो भी काव्य आपकी पुस्तक में दिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में है, आपके पाठ्यक्रम में है, उसकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। तो आप लोग पूरे पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और जो भी पद आपके पाठ्यक्रम में है उनकी व्याख्या को लिख कर देखिएगा।